हेलो डियर क्रिएटर, आज आपके लिए लेके आए हैं विंडोज मूवी मेकर 2024 का एक शानदार ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप विंडोज मूवी मेकर के अंदर ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करेंगे, यानी पूरा ट्यूटोरियल क्रोमाकी पर होगा। हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं विंडोज मूवी मेकर 2024 को, जो कि हमारे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है। यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे। मूवी मेकर ओपन होने पर सबसे पहले हम प्लस की बटन पर क्लिक करके बैकग्राउंड के लिए एक वीडियो को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद दोबारा हम ग्रीन स्क्रीन वीडियो को भी इंपोर्ट करेंगे। ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को हम इस वाले वीडियो के ऊपर वाले लेयर पर रखेंगे, यानी PIP मोड में। उसके बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। अगर आप ये वाली ग्रीन स्क्रीन वीडियो या ऐसी ही और वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद ऊपर आपको यहाँ ग्रीन स्क्रीन रिमूवर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ एनेबल ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करें और यहाँ से कलर पिकर पर क्लिक करें और अपने ग्रीन स्क्रीन वाले पार्ट पर क्लिक करें। आपकी ग्रीन स्क्रीन ऐसे रिमूव हो जाएगी। अब अपने सब्जेक्ट की लाइट को परफेक्ट बनाने के लिए ऊपर कलर बटन पर क्लिक करें। आपके सामने कलर एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ से ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को एडजस्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट करें। इस तरह से आप आसानी से विंडोज मूवी मेकर के अंदर आप ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक की बटन दबाएं और ज्यादा वीडियो एडिटिंग वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।